A little boy in America. America में एक छोटा लड़का था. He was a slave boy. He was a black slave boy. वो तो वहाँ का एक काला गुलाम लड़का था. The blacks were treated as slaves back in the day. उन दिनों में उस ज़माने में काले लोगों से गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता. Gone through so much troubles. और वो बहुत सी मुश्किलों में से होकर गया. One night he said, Lord, it's enough that I've gone through this. और एक रात उसने कहा, प्रभु मैं इन सारी मुश्किलों में से होकर गया हूँ, मेरे लिए ये काफी हो गया. I want to become a great man. मैं एक महान व्यक्ति होना चाहता हूँ. I want to do something special. मैं कुछ विशेष करना चाहता हूँ. And that night, amazingly, the Lord spoke to him. और उस रात अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उससे बातें की. In the night, the Lord revealed to him about the peanut. और रात के समय परमेश्वर ने उस पर मूंगफली के बारे में कुछ राज प्रकट किया. And the different unique things that can be made as product out of the little peanut. और उस छोटी सी मूंगफली के द्वारा कौन से अलग अलग उत्पादन किए जा सकते हैं, कौन सी चीजें बनाई जा सकती है, उसके बारे में बताया. In a way, God showed him what he can make out of that little boy. और फिर उसके द्वारा प्रभु ने बताया कि उस छोटे से लड़के के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकते हैं. And through the peanut, God showed him, and that little boy wrote down 300 different products that can be made. और फिर वहाँ पर परमेश्वर ने उसे सब कुछ उस मूंगफली के दाने के बारे में बताया, और इस छोटे लड़के ने उसी समय लिख दिया कि उस मूंगफली के एक छोटे से दाने से 300 उत्पादन, कौन से उत्पादन किए जा सकते हैं. About flour that can be made, about paste, soap, paper. यहाँ तक कि उसका आटा, यहाँ तक कि उसकी पेस्ट और साबुन, पेपर. Different medicinal products to cure diseases. और बीमारियों का उपचार करने के लिए अलग अलग दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं. To cure conditions in the body. कि शरीर की अलग अलग परिस्थितियों से जो निजात पाने के लिए उसे दवाई बनाई जा सकती है. Out of peanut. वो भी मूंगफली के दाने से. And he was so happy. और वो बहुत खुश हो गया. And one day a convention came. और एक दिन एक कन्वेंशन हुआ. Where different scientists, top people around the world met. और जहां पर पूरे संसार के अलग अलग वैज्ञानिक आए थे. And he somehow rushed in. और वो जैसे तैसे भीतर गया. And he said, I have something to present. और उसने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. The people there laughed at him because he was a young boy. और वो तो बहुत छोटी उम्र का लड़का था, इसलिए वहाँ पर लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे. He was a slave boy. और वो भी तो एक काला गुलाम लड़का था. What can this boy do? ये लड़का क्या कर सकता है? What can he say? ये क्या कह सकता है? Talk, let us have some fun. अच्छा, चलो तुम बोलो, हम थोड़ा मजा उड़ाते हैं. As he started talking. और जैसे वो बोलने लगा. Talked about each product and how it can be made. और हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, और उसने ये भी बताया कि ये कैसे बनाया जा सकता है. Out of a peanut. एक मूंगफली से. Those people were amazed. और वो लोग पूरी तरह से चकित हो गए. Fascinated. वो पूरी तरह से रोमांचित हो गए. How can such a little boy have so much wisdom? ये छोटे से लड़का जो है, इसमें इतना ज्ञान कैसे, इतनी बुद्धि कैसे? Where did he get all this from? उसे ये सब कुछ कहां से मिला है? He only used to work among different plants and take care of the plants. और ये तो केवल कुछ छोटे छोटे पौधों को देखभाल करता था, और उसी में वहाँ पर वो माली का काम करता. But out of that little experience, God showed him such a big plan. और उस छोटे से अनुभव में से परमेश्वर ने उसे इतनी बड़ी योजना बताई. And this man, George Washington Carver, came up with such a big finding. That those people rushed and took his plans to the Congress. और यही था जॉर्ज वाशिंगटन, ये थे जिनके द्वारा इन्होंने इतने उत्पादन किए कि लोग इनके पास में भागते हुए आए. And they called him the Peanut Man. और वो उसे पीनट मैन के नाम से पुकारने लगे. Where he got great praise from around the world. और पूरे संसार से उनकी बहुत तारीफ की गई. It only takes a moment. केवल इसके लिए एक पल लगता है. For God to lift you up to great stature. कि परमेश्वर आपको बड़े डिलडॉल से ऊंचा उठाए. For God to reveal His mighty wisdom to you. कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य बुद्धि आप पर प्रकट करते चले जाए. That will amaze and surprise the king. और ये तो राजाओं को भी चकित करने वाला हो जाए. Will you hear His little voice? क्या आप उसकी उस धीमी आवाज को सुनेंगे? That is ready to speak to you. जो आपसे बातें करने के लिए तैयार हैं.